हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, अब हम लोग जो अपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट हमारे जो इंडियन थिंकर्स में जो स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब हम लोग अंबेडकर को डिस्कस करने वाले हैं गाइस। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग @thepsirclub को टेलीग्राम पे जाके वहाँ इस चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन एक्सेट्रा होती है सब कुछ मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ऑल्सो गाइस, मैं अन अकेडमी प्लस पे भी कोर्सेज लेता हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस तो आप लोग thepsirclub को ज्वाइन द ये कोड यूज़ करके आप वहाँ पे 10% ऑफ ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग हैडिंग डाल सकते हैं अंबेडकर। तो देखिए, सबसे पहले अंबेडकर में एक इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलोसोफर है। क्यों देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलोसोफर है, तो इसका आंसर आप लोग को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पता चल ही चुका होगा कैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा थ्रू आउट हिज लाइफ एंड कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे एंड कैसे फिर इन्होंने जो दलित कम्युनिटी है उसके लिए फाइट करी एंड उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन सोसाइटी में दिलवाने में काफ़ी इन्होंने एम करा, काफ़ी इनका योगदान था। इतना तो देखिए आप सबको पता अम्बेडकर है कौन, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर इनको माना जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इनके बारे में और डिस्कस करें तो ही इज कंसिडर्ड एज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दलित्स इन इंडिया। एंड देखिए जो एक स्कॉलर है जिनका नाम है धनंजय खीर, ये आप नोट कर सकते हैं, ये आप कोट भी कर सकते हैं। धनंजय खीर क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि नो अदर दलित लीडर कुड अचीव वॉट अंबेडकर कुड अचीव फॉर हिज कम्युनिटी, फॉर हिज कम्युनिटी। अब आप सोच लो इतना ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है कि इनको जो दलित समाज है उसमें ही इज नोन एज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, ठीक है। तो ये इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए जो अंबेडकर हैं उनके साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है एंड इसीलिए देखिए इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी भी माना जाता है, ठीक है। एंड याद है हमने एक और कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को डिस्कस किया था, कौन थे वो? वो थे भाई सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है वो अंबेडकर के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये अंबेडकर के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए एक और आपके मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले, ठीक है, उनका नाम है अरुण शौरी, ठीक है। अरुण शौरी की एक किताब है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर सकते हैं, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। एंड इस किताब में वो बहुत ज़्यादा अंबेडकर के क्रिटिकल हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं एंड इस किताब में अंबेडकर को वो एंटी नेशनल बुलाते हैं, एंटी नेशनल अंबेडकर को बुलाते हैं। अब भाई क्यों एंटी नेशनल का क्यों इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो देखिए अरुण शौरी बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं। जैसे अंबेडकर ने जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन आया था 1929 का, आप सबने पढ़ा होगा, उसको अपोज किया था। फिर उसके बाद देखिए अंबेडकर ने ब्रिटिश जो अपनी डिप्रेस क्लास थी द दलित्स, उनसे उनसे आवेदन करा, उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए एंड उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अपना जो स्टेटस है उसको उठाने में मदद करी है, उन्होंने इनका ख्याल रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अंबेडकर वॉज काइंड ऑफ यू कैन से प्रो ब्रिटिश, ठीक है। तो अरुण शौरी कहते हैं कि अंबेडकर ने बहुत जगह जगह पे प्रो ब्रिटिश स्टैंड लिया, इसीलिए वो एंटी नेशनल है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने अंबेडकर ने जो दलित्स हैं, जो दलित समाज के लोग थे, इनसे कहा कि भाई देखो जो गांधी जी का हरिजन सेवक संघ बन रहा है, ठीक है, हरिजन सेवक संघ,
ठीक है, इससे दूर रहो, ठीक है, इनफैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इससे भी दूर रहो, ऐसा कहना था अंबेडकर का। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो अंबेडकर है, आप सबको पता होगा पूना पैक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसमें ये लोग वहां पे काफी ज्यादा एक टाइप का एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था, ठीक है, एंड फाइनली वो डेडलॉक ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स पूना पैक्ट के साथ ही एंड हुआ, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो जो था वो आप प्रूफ करता है कि वो कैसे बहुत ज़्यादा एंटी नेशनल थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसको अभी हम आगे और भी अच्छे से एनालाइज करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को, जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ेंगे। उसमें देखिए गांधी जी को कहते हैं ये कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये गांधी जी का मैड वेंचर है, ये मैड वेंचर है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के वो अगेंस्ट थे, ठीक है, तो इसीलिए भी एंटी नेशनल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अंबेडकर ने जो जिन्ना की डिमांड थी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया, तो इसलिए भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अंबेडकर है, ही वॉन्टेड ब्रिटिशर्स टू स्टे इन इंडिया, ठीक है, वो चाहते थे ब्रिटिशर्स इंडिया में रहें, ठीक है। एंड अंबेडकर ने क्या करा था, जो आपकी डिफेंस एडवाइजरी कमिटी थी, डिफेंस एडवाइजरी कमिटी ये ब्रिटिशर्स ने बनाई गई थी, ठीक है, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड क्यों इन्होंने, मतलब डिफेंस एडवाइजरी कमेटी क्यों बनी थी ब्रिटिशर्स द्वारा, कि वो ये चाहते थे कि इंडियंस जो है वो जो वॉर हो रहा है वर्ल्ड वॉर, इसके प्रति हाँ भर दे, इसके प्रति लेजिटिमेसी हासिल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, तो उसके लिए एक डिफेंस एडवाइजरी कमेटी को बनाया। एंड इस डिफेंस एडवाइजरी कमेटी में क्या हुआ कि अंबेडकर ने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब आप समझ जाओ, सो ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा प्रो स्टैंड इन्होंने लिए, इसलिए अरुण शौरी जो है वो इनको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि वो इनको एंटी नेशनल बोलते हैं, ठीक है। इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी डिमांड है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वही जो पूना पैक्ट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ये इंस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस जो अबव एनालिसिस है इससे हम ये बोल सकते हैं कि अंबेडकर एक एंटी नेशनलिस्ट थे, ठीक है। अब देखिए अगर सैयद अहमद खान से आप कंपेयर करो, जस्ट लाइक सैयद अहमद खान क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड बेनिफिट ऑफ हिज ओन कम्युनिटी, ठीक है, बेनिफिट ऑफ हिज ओन कम्युनिटी, मुस्लिम्स का बेनिफिट चाहते थे, ठीक है। सिमिलरली अंबेडकर के लिए भी यही कहा जाता है कि ही वॉज नॉट अ लीडर ऑफ मासेस, ही वॉज अ लीडर ऑफ क्लासेस, मतलब क्लास लीडर थे वो, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के ही लीडर थे एंड मासेस के लीडर नहीं थे, ठीक है। ही वॉज नॉट द लीडर ऑफ मासेस, ही इज नोन एज मोर ऑफ अ लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है, लीडर ऑफ कम्युनिटी। एंड जो लीडर ऑफ कम्युनिटी होते हैं उनको क्या होता है, जैसे सपोज करो ये है, अब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं एंड आप इस ये आपकी 4 लोग की कम्युनिटी है और लोग आपकी कम्युनिटी के बाहर है खूब सारे, ठीक है। अब देखो मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आप इस पर्टिकुलर लीडर ऑफ कम्युनिटी के हो तो आप बस ये चाहोगे बस ये 4 का भला हो, एंड आप ये कुछ नहीं देखोगे कि ये जो 8-10 लोग हैं ये मरे इनका कोई फर्क नहीं है, बस आप ये चाहोगे इन 4 का भला हो, ठीक है। जबकि एक लीडर ऑफ मासेस जो होगा वो क्या करेगा, वो चाहेगा सबका भला हो, ठीक है। तो इसीलिए अंबेडकर को कहा जाता है कि ही इज नोन एज अ लीडर ऑफ अ मासेस, ठीक है, लीडर ऑफ अ कम्युनिटी रैदर देन लीडर ऑफ अ नेशन, ठीक है। जबकि गांधी जी को क्या बोला जाता है, ही इज नोन एज अ लीडर ऑफ मासेस, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान भी क्या चाहते थे, बेनिफिट ऑफ हिज कम्युनिटी मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये चीज भी हमने देख ली कैसे ही इज द लीडर ऑफ ऑफ क्लास, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए अंबेडकर ने इनफैक्ट ये बात खुद कही थी क्या, कि बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अगर उनको चूज करना हो तो वो क्या चूज करेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं इंटरेस्ट ऑफ दलित्स को चूज करूंगा ओवर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ठीक है। अब ये ऐसे उन्होंने ओपनली बोल दिया था, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने एक व्यू पढ़ा, ठीक है, ये तो हमने एक व्यू पढ़ा जो अरुण शौरी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कहते हैं, बट देखिए एक और व्यू है। अब वो जो व्यू है वो रिप्रेजेंट करती है अरुंधति रॉय, ठीक है, एंड क्रिस्टोफर जेफ्रिलॉट, ठीक है। अब ये इनके क्या व्यूज हैं, ठीक है। अब देखिए इनका ये मानना है कि अगर अंबेडकर को एंटी नेशनल बोलोगे तो ये गलत है, इट इज रॉन्ग टू कॉल अंबेडकर एंटी नेशनल, ठीक है। क्यों, देखिए ऐसा क्यों बोलती है,
तो देखिए ये कहते हैं कि देखो अंबेडकर जो लीडर थे वो उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लीडर थे, ठीक है। उस टाइम सबसे ज्यादा जो अत्याचार सहन करते थे वो वही कम्युनिटी थी, ठीक है। एंड प्लस वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में भी थे, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे थे हमारे देश में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो छोटी कम्युनिटी थी, समझ लो इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, इतनी ज्यादा अत्याचार हो रखा था, तो हाउ कैन यू कॉल हिम एंटी नेशनलिस्ट, ठीक है। इतनी ज्यादा क्राउड तो है उनके पास, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अंबेडकर है, ठीक है, अंबेडकर ये अरुंधति रॉय कहती है कि देखो उनकी अप्रोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी। अब कैसे इन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी, क्यों इतनी ज्यादा सेपरेट इन्होंने डिमांड रख दी दलित के लिए, क्योंकि देखिए अंबेडकर की अगर आप लाइफ को स्टडी करें तो अंबेडकर की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए अंबेडकर की पहली बार पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, इनको किसी राजा वाजा ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है, एंड इनकी पूरी बाहर लंडन वंडन से ही सारी पढ़ाई हुई, एंड उन्होंने खूब लॉ की डिग्री ले ली। एंड जब ये जब वापस आए तो क्या हुआ, इन्होंने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करी कि भाई अब तो मैं लॉयर बन गया, अब तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, लोग आएंगे मेरे पास मेरी बेंच पे के वो करेंगे। बट इनके साथ क्या हुआ, जब इन्होंने इतना फाड़ जगह से पढ़ाई कर ली तो लोग जो भी आते थे वो इनके पास कभी नहीं जाते थे, लोग हमेशा किसी और के पास जाते थे। तो इससे इनको ये चीज़ रियलाइज हुई अकेले बैठे हुए हैं कि भाई मैं कितना भी दलित को एजुकेशन दे लो, कितना भी दलित को वो कर लो, बट लोगों के मन में जो ये उनके प्रति नफरत है, जो ये उनके प्रति जो भी फीलिंग्स है वो जब तक नहीं जाएगी तो उनका ऑपरेशन होते रहेगा, भले दलित को कितना भी इकोनॉमिकली इंपावर कर लो। अब भाई अंबेडकर की पढ़ाई तो बहुत गजब हुई, सोचो उस टाइम के जमाने में कोई जा रहा है बाहर पढ़ के आ रहा है तो यार अच्छी तो बात होगी, इंडिया में तो कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, ठीक है, एंड टोटली उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर्ड थी, ठीक है। तो इसीलिए अंबेडकर ने ऐसी अप्रोच रख मानी, इसीलिए अरुंधति रॉय कहती हैं कि जो इनकी अप्रोच थी वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थी, तो इसीलिए अरुंधति रॉय ऐसा बोलती हैं। फिर देखिए जो इनकी अप्रोच थी, इनकी जो अप्रोच थी टूवर्ड्स आप कह सकते हो नेशनलिज्म, टूवर्ड्स एक इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है, वो हमेशा से इन रियलिटीज़ को कंसिडर करके ही आती थी, ठीक है। क्योंकि देखिए रियलिटीज़ उस टाइम क्या थी, अगर आप लोग उस टाइम रियलिटीज़ की बात करो तो इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ अगर आप एक नेशन की बात करो तो क्या था, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था, खूब सारी कास्ट थी, खूब सारे क्लासेस थी, रिच थे पुअर थे, डिप्रेस क्लासेस थे सॉरी। एंड जब इतने ज्यादा क्लासेस डिवाइडेड थी तो अंबेडकर ने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होके मान लिया कि हाँ भाई इंडिया एक डिवाइडेड है एंड इंडिया इज नॉट अ नेशन, ठीक है, उन्होंने ब्लंटली बोला। क्यों, क्योंकि देखो भाई साफ दिख रहा है ना, इतने सारे डिवीजन है, इतना सारा आपके में लोगों में डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, तो कैसे आप इंडिया को नेशन बोल सकते हो, सिर्फ फालतू में बोलने से क्या फायदा, ठीक है। अब जैसे इसको आप ऐसे लो, इंडिया को आज बोला जाता है सेकुलर कंट्री, बट क्या वाकई सेकुलर है, आप खुद देखो। तो काफी हद तक आपको रियलाइज होगा नहीं यार हमारे देश में कितने सारे रिलीजन के बेसिस पे फाइट्स होती रहती है एक्सेट्रा। तो वही चीज अंबेडकर ने भी बोली, अंबेडकर ने कहा कि यार ये जितने भी लोग नेशन नेशन कह रहे हैं इंडिया को, कहाँ है हम नेशन, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, ठीक है, एंड इन्होंने ओपनली इस बात को माना। कैसे, इन्होंने अपनी जो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, उन्होंने ये लाइन बोली, आई नो वी आर डिवाइडेड पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एंड सोशली, वी आर अ ग्रुप ऑफ वेरियस कैंप्स, आई माई सेल्फ इज अ लीडर ऑफ वन सच कैंप, हाउएवर आई एम कन्विंस्ड दैट द डे विल कम व्हेन वी विल फॉरगेट दीज डिफरेंसेस एंड एमर्ज एज अ नेशन, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया की जो प्रैक्टिकल रियलिटीज है उसके मुद्दे पे इन्होंने बात करी, ठीक है, एंड कोई भी इन्होंने आइडियलिज्म वाली बात नहीं करी, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल इन्होंने अप्रोच रखी, ठीक है गाइस। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंबेडकर एंटी नेशनलिस्ट थे या अंबेडकर डिड नॉट वॉन्ट इंडिया टू बिकम अ नेशन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इनका हमेशा से मानना था। इन्होंने ये माना कि हाँ अभी हम नेशन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हाँ, बट एक दिन हम अपने इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रखेंगे एंड वी विल ऑल कम टुगेदर एंड एमर्ज एज अ नेशन, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आप जो डिफेंस पॉइंट है वो भी आप अपना रख सकते हो, ठीक है, वन साइडेड आंसर मत लिखना, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया,
क्या बोलते हैं, अंबेडकर के व्यूज कैसे प्रैक्टिकल थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इसी में ही आप और भी ऐड कर सकते हैं कि अंबेडकर ने और भी इस पे लाइट थ्रो करी। एंड अंबेडकर ने बोला कि देखो भाई, जितनी जल्दी हम ये अपनी जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी डिफरेंसेस हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उतनी ही जल्दी हम क्या कर लेंगे, हम इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आप खुद बताओ, हम सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, बट दिक्कत ये साला मानने को तैयार ही नहीं है। अब जब आप मानोगे ही नहीं ही कि यार हमारे अंदर कोई गलती नहीं, तो आप क्या कभी सही हो पाओगे? आपने पहली चीज तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ यार ठीक है, मैं ABC हूँ, अब मैं ABC से DEF कैसे बनूंगा? तो ठीक है, ABC को हटाओ, जो भी आपके अंदर ABC फ्लॉ है, ठीक है। तो वैसे ही अम्बेडकर थे, उन्होंने फ्लॉज को माना, उन्होंने ब्लंटली ओपनली बोला, ठीक है, एंड ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच, ठीक है। सो अम्बेडकर बिलीव दैट सूनर वी एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट अ नेशन, द बेटर इट इज, एटलीस्ट वील स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन बिकम अ नेशन, ठीक है। एंड जब हम लोग इन रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे, तो बस वी विल एमर्ज एज अ नेशन। सिंपल इन्होंने ये कह दिया, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मेरे भाई? आई होप गाइज अब आप लोग लिख पाओगे। अब देखिए, थोड़ा सा जल्दी से हम लोग लाइफ ऑफ अम्बेडकर के बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि अम्बेडकर की कैसी लाइफ थी। तो देखिए, अम्बेडकर आप सबने पढ़ा है कि ये अनटचेबल कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। एंड इन्होंने, इनके पास जो भी था ना एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि अनटचेबल आखिर होता क्या है। एक तो हम भाई कहते ना, वो कहते ना वो कि हम गरीब, गरीबी जिसने देखी नहीं है वो बता नहीं सकता, तो वही चीज़ इनके पास था। इनके पास तो अनटचेबिलिटी का बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, ठीक है। एंड वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा था कि बचपन से ही इन्होंने, फिर देखिए उसके बाद क्या था, उसके बाद जो अंबेडकर थे, मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने काफ़ी इनको स्पॉन्सरशिप मिली, राजा ने इनको स्पॉन्सर किया, एंड ये बाहर गए पढ़ने। बट वही पढ़ने के बाद जब ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एज अ लॉयर, तो इन पे कोई आता नहीं था, तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई इवन व्हेन दलित्स आर एजुकेटेड, इवन व्हेन दे आर प्रोवाइडेड फुल फैसिलिटीज एक्सेट्रा, उनका उनको देखे लाइफ ऑफ डिग्निटी नहीं मिल सकती। लाइफ ऑफ डिग्निटी इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड इसीलिए जब भी अगर दलित को लाइफ ऑफ डिग्निटी देनी है, तो भाई ये अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी अनटचेबिलिटी है, इसकी वजह से ही जो दलित्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड बस इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए इनको, इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, तो देखिए इन्होंने अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट करा। अब अवेयरनेस कोई बंदा कैसे फैलाएगा? बुक्स लिखेगा, मैगजीन्स लिखेगा, आर्टिकल्स लिखेगा, ऐसे ही तो फैलाएगा, लोगों को जा जा के बताएगा। तो बस इन्होंने पहले एक मैगजीन लेके आई, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मूक नायक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लोगे तो एक दो लाइन देख लेना, ठीक है। ये 1920s में लाए थे, एंड रिसेंटली देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 साल होने वाले हैं इनकी ये मैगजीन के, ठीक है, 2020। फिर उसके बाद एक ये न्यूज़पेपर भी लाए, एंड उस न्यूज़पेपर का नाम था बहिष्कृत भारत, ठीक है, ये भी न्यूज़पेपर लाए थे, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसमें दलित का अपलिफ्टमेंट के लिए, विच वॉज कॉल्ड एज बहिष्कृत हित करनी सभा, ठीक है, इसका भी आप नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन बनाई, ठीक है, एंड बाद में इसी को ही जाके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से दे दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये दो तीन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई, पेपर लिखे, मैगजीन्स लिखी, तो इसीलिए इन्होंने इन्होंने क्या करा, इन्होंने फैलाने की कोशिश करी कि भाई अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट किया जाए। इनफैक्ट अम्बेडकर ने गांधीयन मेथड्स भी अपनाए, कैसे, इन्होंने बहुत ही फेमस सत्याग्रह करवाया था, महद सत्याग्रह, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में, महद सत्याग्रह। एंड इस सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो अनटचेबल्स है, जिनको वेल से पानी नहीं लिए देने जाने लेता है, उनके लिए वॉइस उठाई। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, गांधी जी ने इसमें इनका सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने गांधी जी से डिफरेंसेस आपने इन्होंने डेवलप कर लिए, ठीक है। गांधी और अम्बेडकर में थोड़ी सी रास्ते अलग हो गए क्योंकि यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात यही आती है कि आखिर गांधी जी ने सपोर्ट क्यों नहीं करा इस सत्याग्रह का। तो देखिए, गांधी जी का क्या सोचना था कि भाई देखो, अभी जो भी हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक
ठीक है, तो हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह करना है, ठीक है। उस टाइम उतना अनटचेबल्स का इशू गांधी जी ने नहीं उठाया था, ठीक है, एंड इट वॉज मोर ऑफ एंटी ब्रिटिश, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने ये हेल्ड किया कि फॉर द टाइम बींग द सत्याग्रह एज अ वेपन शुड बी यूज ओनली अगेंस्ट कॉलोनियल अथॉरिटीज, ठीक है। एंड इसीलिए बस यहाँ पे अंबेडकर एंड गांधी डिफरेंसेस डेवलप हो गए, एंड अंबेडकर जी अब चले गए भाई ब्रिटिशर्स की ओर। अंबेडकर जी ने बोला कि ठीक है भाई, देखो गांधी जी से तो उम्मीद कमी है, तो लेट्स गो टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड लेट्स आस्क फॉर हेल्प। क्या क्या ब्रिटिश हमारे को कुछ मदद कर सकते हैं, हमारा स्टेटस ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। एंड वही वाली बात, वो सेपरेट इलेक्टोरल्स एंड आपका मैकडोनल्ड अवार्ड्स, जो आपका डोनाल्ड अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही सेपरेट इलेक्टोरल, पूना पैक्ट, ये सब वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। जो कम्यूनल अवार्ड आता है, सॉरी मैं डोनाल्ड अवार्ड बोल रहा हूँ, कम्यूनल अवार्ड जो आता है, वो सब इसी का ही एक चेन बनती है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यों अंबेडकर पहले चाहते थे, बट फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि ही वॉज काइंड ऑफ फोर्स्ड, ठीक है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट आप लिख सकते हो कि गांधी ही इवन अडॉप्टेड गांधीयन मेथड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लिख देना। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने और गांधी जी से डिफरेंसेस डेवलप कर दिए। इन्होंने कहा कि भाई देखो, अब हम गांधी जी के कमिटमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, गांधी जी अनटचेबल्स के लिए कोई अपलिफ्टमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसीलिए ये अंबेडकर कहते हैं कि गांधी हैज नेवर केप्ट एनी फास्ट फॉर अनटचेबिलिटी, ठीक है। याद है गांधी जी ने भाई आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी, कितने फास्ट करे, बट कभी भी कोई फास्ट अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए नहीं करा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अब आप पूछ सकते हो कि भाई गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं करा, अब आप लोग गांधी जी को गाली दोगे, तो ऐसा नहीं है देखो, ठीक है। क्योंकि यार उस टाइम गांधी जी पे भी बहुत ज्यादा कंपल्शन थी, क्योंकि गांधी हमने पढ़ा है ही इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। तो उस टाइम उन्होंने देखा कैसे मौके पे चौका मारा जाए, ठीक है। तो गांधी वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, नॉट अ स्पिरिचुअल, ठीक है। तो पीपल विल रिस्पॉन्ड टू गांधी ओनली इफ गांधी रेजेज वॉइस अगेंस्ट क्या, पॉलिटिकल रूल, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी को बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड बहुत ज्यादा रियल में वो माना जाता है कि क्यों ब्रिटिश से ज्यादा। अब अगर गांधी जी उस टाइम अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाते, तो सोसाइटी ऑलरेडी इतनी बटी हुई थी कि नहीं सुनती यार, तुम तेल लेने हो, तुम्हारी बात क्यों सुने, हमने इतने सालों से किसी रिफॉर्मर की बात नहीं सुनी, तो भाई गांधी क्या है, गांधी की बात क्यों सुने। बट जब गांधी ने एंटी कॉलोनियल वाली बातें करी, तो सब लोगों ने हाँ 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 यार, अंग्रेजों से दूर भागते हैं, ठीक है, अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने बहुत सही खेला, बहुत स्मार्ट खेला, उनकी उन पर अभी भी कंपल्शंस होती है, समझ लो। इट्स जस्ट दैट वही बात हो गई ना, जैसे आज नेता है, सब लोग कहते हैं रिजर्वेशन हटाना है हटाना है हटाना है, अब मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने, क्या आप रिजर्वेशन हटा दोगे, या आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया आप रिजर्वेशन हटा दोगे, कभी नहीं हटाओगे, क्यों, क्योंकि द डे यू रिमूव इट द नेक्स्ट इलेक्शन यू लूज, सिंपल, समझ लो। तो इसीलिए गांधी जी की भी वहां पे बहुत सारी कंपल्शन थी, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अंबेडकर जी का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, क्या उनके लाइफ थी, ठीक है, कैसे उन्होंने गांधी जी से डिफरेंस डेवलप किए, क्यों उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, क्यों उन्हें एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये सब हमने अंबेडकर जी का प्रॉपर एक डिस्कशन ले लिया। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि व्हाट आर अंबेडकर्स आइडियाज, ठीक है। तो अंबेडकर जी के आइडियाज को अब हम लोग डिस्कशन में स्टार्ट लेंगे, एंड इसमें जो मेन उनका सेंट्रल थीम पॉइंट है, दैट विल बी अराउंड अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है गाइज। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी पे ना मैं 5 स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ अभी, ठीक है, एंड दैट स्पेशल क्लासेस विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रिलिम, उसमें मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो इफ एनी बडी ऑफ यू हु वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इलिमिनेट, ठीक है, मेमोनिक्स एक्सेट्रा आपको जानना है, स्ट्रैटेजी जाननी है एक्सेट्रा, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है, वन क्लास वन सब्जेक्ट पे है, ठीक है, 1-1 आर की है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 19 जैन से स्टार्ट हो रही है, लगातार 3-4 दिन चलेगी एट 9 PM, तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे गाइस, ठीक है गाइस, फ्री है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अनअकैडमी प्लस पे जाओ, अनअकैडमी पे जाओ एंड वहाँ पे सुमित कपूर सर्च कर लो, दैट्स माई नेम, एंड वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल में आप लोग को वहाँ पे स्पेशल क्लासेस का दिख जाएगा, तो वहाँ पे एनरोल कर लो गाइस। एंड कोई भी अनअकैडमी प्लस लेना चाहता है, मैं सिंस वहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग द PSIR क्लब का कोड यूज करेंगे, तो इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा व्हेन यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं देन अगली लेसन में, टिल देन बाय।